चिल्ला काट के तेरी जात पे कुछ करके तू हूँ बिखरे बाल उठ गया सवाल मैं तेरा सवाल बच्चा छोड़ चाहिए बेबी डॉल मेरा दूसरा जन्म मुस्तफा स्टार एम बेबी डॉल बाकी की चुड़ैल का क्या हुआ बाकी सब जेल में मैं भाग कर आ गई तो आप इधर क्या करेंगी अब रखो मुझे यहीं पर ही हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ पहले तो हमारे साथ आज हैं सारे मेरे ब्लॉग का हिस्सा और द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम चुड़ैल बेबी डॉल और आपका असली नाम सारा जारा तो हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे चुड़ैल्स की किसके ऊपर सारे नहीं नहीं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है तो पहले हम ये बताएंगे कि हमने कैसे अप्रोच किया जारा को टाइम बताओ कैसे अप्रोच किया हम लोगों ने जारा को सो बेसिकली जारा इस्लामाबाद आई थी और हम लोग एक और हम लोग एक वेब सीरीज शूट कर रहे थे और हमें एक बड़ा कूल बैडएस कैरेक्टर चाहिए था फॉर द कैरेक्टर ऑफ अ थेरेपिस्ट डॉक्टर जारा जारा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा बहुत अच्छा रहा बहुत रैंडमली हम सब मिले हैं और अचानक से ही सब कुछ हो गया मैं तो यहाँ पर किसी के मतलब कज़न के घर आई थी और किसी ऐसे सिचुएशन में जो मैं आपको नहीं बता सकती जो रेलवे जो टीम है उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया मुझे एक एक्ट्रेस हैं अनुषा अब्बासी उन्होंने बताया उनको सना जाफरी को दैन फिर मैंने सरवत जी को कॉल किया उन्होंने कहा बहुत मज़े की चीज़ है तुम्हें करनी चाहिए इस तरह से मैंने अपना ऑडिशन दिया उसमें आ गई वैसे आगे मैं चुड़ैल का हिस्सा बन गई और मैं छोटी चुड़ैल में से एक चुड़ैल में हो गई यार हमें ये बताया कि हम चुड़ैल कैसे बन सकते हैं लाइक इफ यू वांट टू ऑडिशन फॉर सीजन 2 तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आप चुड़ैल नहीं बन सकते क्योंकि आप मर्द हैं और आपको दर्द होगा आपको दर्द देने के लिए हम चुड़ैल बनी हैं अच्छा सारा मुझे ये बताएं बेस्ट मोमेंट क्या था सेट का वहाँ का हर मोमेंट बहुत बेस्ट था नहीं नहीं इस तरह हमें फॉर्मल सच बताएं झूठ पे हुआ क्या था कुछ भी नहीं हुआ वहाँ बहुत मजा आता था सब इतना प्यार देते वो हर मोमेंट मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट था इसलिए मैं क्या बहुत क्रिटिकल जवाब दिए बट लाइक चले तीसरा सवाल है आपने अपने कैरेक्टर जो बेबी डॉल है जो हम लोगों ने देखा उसके लिए प्रिपेयर किस तरह किया लाइक प्रैक्टिस और सारा कुछ क्योंकि इट्स रियली डाइवर्स और बहुत फनी सा है Do you think you can relate to life? वैसे मैं थोड़ी फनी सी तो हूँ रियल लाइफ में भी और थोड़ी सी गुस्से वाली भी थोड़ी सी नहीं शायद ज़्यादा गुस्से वाली हूँ तो बस वो जो मेरे अंदर का जो सब कुछ था वो मैंने वहाँ पे अच्छा भी किया और बुरा भी किया और सैड भी रहती हूँ बहुत सारी दफ़ा सैड रहती हूँ तो वो सब चीज़ें मिक्स हो के और बस बन गया वो एक चुड़ैल आ गई बाहर तो थोड़ी बात कहीं ना कहीं क्यों ऐसा क्यों जो दर्द वो मुझे देना चाहते हैं वो दर्द मैं उनको दे अब हर मर्द एक जैसे नहीं होता हाँ ये तो है हर मर्द एक जैसे माते नहीं आपको किस तरह बोलना क्या चाहती हैं आप मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बस ये आप लोगों का प्यार है जो ये सब कुछ हो गया और मैंने कह लिया आप लोगों को पसंद आ गया वरना मुझे तो कभी भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा मतलब ये ख्वाब लग रहा है मैं यहाँ आई और मैं किसी मतलब अपने कजन के घर पर थी ठीक है और अचानक से मुझे सारे ने अप्रोच किया कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं बस उन्होंने अप्रोच किया उन्होंने कहा प्लीज आप यहाँ पर हैं वो इतफाक से उनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा मैंने आपकी चुड़ैल्स देखी और ये सब चीजें हैं और इस तरह हमारी बात हुई उन्होंने कहा हमारी एक वेब सीरीज है उसमें आप कोई कुछ कर दें तो बस ऐसे सब बाय द वे वेब सीरीज इज कमिंग सून सारे डू वी हैव अ डेट नाउ अक्टूबर स्टे ट्यून्ड गाइस आप मुझे बताएं कि आप हमारे पाकिस्तानी आवाम को क्या कहना चाहती हैं उनके लिए एक एडवाइस कोई मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जेंडर कोई भी हो बहुत पॉजिटिव भी है बहुत अच्छे से उसको देखें अच्छी नज़र से चाहे वो औरत हो चाहे वो ट्रांस वुमेन हो चाहे वो मर्द हो सबकी एक जैसे राइट्स होनी चाहिए सबको इज्जत मिलनी चाहिए जैसे आप लोग या दूसरे लोग हम लोगों को इज्जत देते हैं हमारी कम्युनिटी को इस तरह सबको देनी चाहिए
और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरुआत फैमिली से होती है. जब हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करेंगी, वो हमारे साथ अच्छे से रहेंगी, तो सब अच्छे से रहेंगे. थैंक यू ज़ारा. आई लव यू. आई लव यू टू. इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑन द शो. आई लव यू टू गॉड. चलो जी मैं फिर. बाय बाय.